अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक तो सलाम मेरी तरफ से, दूसरा आपका जवाब। दरअसल मसला ये है कि जिस पाकिस्तानी भाई का ऑडियो आपने यहाँ रवाना फरमाया है, उसमें उन्होंने अपने मामू से मुतालिक कलाम किया है और ये बताया कि उनके मामू का हादसे में इंतकाल हो गया और फिर पुलिस वालों ने उनकी तदफीन लावारिस समझ के तदफीन अमल में लाई, यानी उन्हें दफन कर दिया। बाद में घर वाले को पता चला। अब घर वाले ये चाहते हैं कि हम वहाँ से मैता को मुंतकिल करके अपने शहर लाएं। तो शरीयत का इस ताल्लुक से हुक्म ये है कि जब मैता को दफन कर दिया गया हो तो फिर कब्र खोद कर उसे निकालना हराम, हराम, सख्त हराम है, बिला ज़रूरत शरी। चंद सूरतें हैं, जैसे ज़मीन किसी की हो, गसब की हुई ज़मीन पर किसी की हो और मालिक की इजाज़त के बगैर उस ज़मीन पर मैता को दफन कर दिया गया तो वहाँ निकालने की इजाज़त है। और इसी तरह और एक सूरत है, उसके अलावा कोई सूरत नहीं है कि कब्र खोद कर निकाला जाए और फिर मुंतकिल किया जाए। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रदील मौला ताला अन्ना वर्दा फतावे रिजविया जिल्द 9 सफ़ा नंबर 414 पर फरमाते हैं कि कब्र खोद के मैत को निकालना हराम, हराम, सख्त हराम है, और फिर उस जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना भी रवा नहीं है।